हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आंवले का झटपट बनने वाला अचार, जो सर्दियों में खाने में बहुत ही गुणकारी होता है। इसे गुणों से भरपूर माना जाता है। इसके लिए लिए मैंने आधा किलो आंवले, इसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया है, और 250 ग्राम ली हैं मैंने हरी मिर्च, इनके भी डंठलों को तोड़कर साफ़ कर लिया है। अब मैंने मिर्च को सीजर से तिरछे करके काटूंगी, इस तरह से मैं काट लूंगी। हाथ में मिर्च लग जाती हैं, इसलिए मैं हमेशा सीजर से ही मिर्चों को काटती हूं। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी मिर्च को काटूंगी। प्लीज़ दोस्तों, जो मेरे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, जिससे मेरा आगे वीडियो डालने का और भी आगे मन करे। इस तरह से मैं अपनी सारी मिर्चों को काट लूँगी। देखो दोस्तों, मैंने अपनी सारी मिर्चें काट ली हैं। अब मैं आंवले उबालने के लिए एक ये कॉटन का रुमाल लूँगी। इसे मैं अच्छी तरह से पानी में डिप करूंगी, जिससे ये अच्छी तरह से भीग जाए। इसे हमें निचोड़ना नहीं है ज़्यादातर, इसे इसी तरह से इसमें पानी भरा होना चाहिए। अब मैं इस रुमाल को इस तरह से खोलकर कुकर में रख दूंगी। इस तरह से मैंने कुकर में रख दिया है। अब इसमें डाल दूंगी आंवले। मैं इस रुमाल के साथ भिगोकर इन आंवलों को पकाऊंगी। इसे चार विसल आने तक पका लें। देखो दोस्तों, ये मेरे आंवले पक चुके हैं। अब मैं इन्हें अलग से कर लूंगी। इस तरह इसकी गुठलियों को निकाल दूंगी। ये अच्छी तरह से हमारे गल चुके हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे गल गए हैं। आंवले का अचार आप परोठे के साथ, किसी भी तरह से दाल के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह से मैं अपने सारे आंवलों को अलग कर लूँगी गुठली से। इस तरह से मैंने कर लिए हैं। अब मैंने फ्राई पैन में एक चमचे के करीब ऑयल गर्म करके रखा हुआ है, सरसों का तेल। इसमें डालूँगी मैं जीरा। जब जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, जब मैं डालूंगी इसमें आधा चम्मच के करीब मेथी दाना। ये भी ब्राउन हो जाएगा तब मैं डालूंगी दो चुटकी के करीब हींग। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये अपनी कटी हुई मिर्चें। इस तरह से मिर्चें डालकर मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी, क्योंकि हम तुरंत खाने वाला अचार बनाएंगे तो इसे इसी तरह से बनाएंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें आंवले। अब आंवलों में डालूंगी मैं एक चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। इसमें डालूंगी दो चम्मच के करीब धनिया पाउडर, दो चम्मच सौंफ पिसी हुई, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च और एक चम्मच देगी मिर्च। इससे कलर अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक स्वाद से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि अचार चटपटा ही अच्छा लगता है। इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अगर हमको लगेगा कि इसमें थोड़ा सा तेल कम है, तो मैंने पहले से ही थोड़ा सा तेल गरम करके रखा हुआ था, इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से और मिक्स कर लें। गैस को हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है। इस तरह से इसे मिक्स कर लें चारों तरफ से। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इसे ढक दें।
5 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूंगी। देखो दोस्तों, अब ये अचार हमारा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इस अचार को हम 10-15 दिन फ्रिज में रखकर चला सकते हैं। देखो दोस्तों, कितना यम्मी अचार बनकर तैयार हुआ है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।